हेलो फ्रेंड, बस मैं भी सोकर उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, ब्रश किया है और सबसे पहले मैंने चाय बनाने रख दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सबसे पहले उठकर चाय बनाने रखता है। तो मैंने चाय चढ़ा दी है, एक तरफ दूध उबलने रख दिया है। तो देखिए, मेरी चाय बन रही है और फ्रेंड्स, बस मैं भी चाय बना के चाय पी के और फिर आप लोगों से बात करूँगी। आज संडे है तो बस फ्री हूँ। आज ऐसा कुछ तो रहता नहीं है कि लंच बॉक्स टाइम पे देना या कुछ भी, तो बस चल रहा है धीरे धीरे। और मेरा भी जैसे ही मोबाइल देखता है मुझे हाथ में पकड़े हुए, तो वो ऐ करना स्टार्ट कर देता है कि मोबाइल दे दो मुझे। और देखिए फ्रेंड, चाय में भी उबाल आ गई है और दूसरे साइड दूध में भी उबाल आ रही है। तो बस चाय और दूध से मैं पी और बस मैं अब मैं चाय पीऊँगी और फिर आप लोगों से बात करूँगी। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए फ्रेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ कांचा। और फ्रेंड्स, आज है संडे और आज है 21 जुलाई। तो फ्रेंड्स, सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन स्टार्ट हो गया है, कैसा जा रहा है सबका सावन ज़रूर बताइएगा। सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे ना सावन। एक्चुअली फ्रेंड, जब मतलब यहाँ मुझे इतना ज़्यादा खास पता नहीं चलता है सावन का, लेकिन मेरे घर मतलब मेरे होम टाउन में वहाँ स्पेशली मतलब बहुत स्पेशल होता है सावन का। पूरा महीना हमें पता ही नहीं चलता है, पूरा टाइम कैसे बीत जाता है सावन में। यहाँ तो फिर भी इतना नहीं रहता, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। और जो छोटी सिटी होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जगह जगह रामायण हो रही, कहीं कहीं मतलब हर चीज़ शंकर जी का, सब कुछ पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और हर मंदिर में बहुत भीड़, बहुत बहुत ज़्यादा ये सब कुछ चलता रहता है। और मेरा बेबी वो बाहर वहाँ खड़ा है बॉकर पे, तो वो बार बार बोल रहा है कि मुझे गोदी ले लो। ऐसे ही चलता है बच्चों के साथ तो। और बस आज संडे है तो आज कुछ इतना जल्दी तो रहता नहीं है कि अगर हमें लंच बनाना है या मतलब, क्योंकि जो नॉर्मल डे होते हैं उसमें हमें टिफ़िन बनाना और फिर नाश्ता भी देना, हर चीज़ पूरा एकदम टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अभी आज तो फ्री हूँ तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अभी किसी को इतने जल्दी तो है नहीं, अभी क्या 8 बज रहे हैं, तो अभी किसी को नाश्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड संडे को 9 o'clock कह लो, हाँ 9 कह सकते हैं, 9 to 10 o'clock के बीच ही उठते हैं। वो बहुत अच्छे से अपनी पूरी नींद ले लेते हैं, फिर उसके बाद उठेंगे, चाय पियेंगे और उनका नाश्ता ही होता है 11 बजे। और लंच तो भूल जाओ, 1-2 बजे लंच होता है। तो बस ऐसे चलता है हम लोगों का संडे तो। और फ्रेंड सुनाइए, पता फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। और वो शादी ठंडी में या मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी तक निकली है, अभी डेट नहीं निकली है, बट हाँ शादी फिक्स हो गई है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों को बताने के लिए कि चलो आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। और फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके तो बताइए ना कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या मैं क्या क्या चेंजेस करूँ, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं क्या क्या चेंजेस करूं अपने वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड बताइए आप लोग। और फ्रेंड, अब आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोग ही हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकती हूँ ना। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, नथिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड। और आज मैं आपको अपने किचन में आज मैं नाश्ता में क्या बनाऊंगी, हाँ आज मैगी बनाऊंगी। तो
तो मैं मैगी आपके साथ मैगी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मैगी, वैसे मैगी तो नॉर्मल है यार, सब जानते हैं, सब बनाते हैं, बट फिर भी मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो शेयर करूँगी। और आज आपको मैं अपने टेरिस पर भी लेके जाऊँगी। फ्रेंड मेरे टेरिस का व्यू बहुत अच्छा है, आप लोग जब देखेंगे ना तो आप लोग बोलेंगे वाओ दी कितना सुंदर व्यू है, आपको तो कहीं घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि यहाँ ही सब है, शिमला मनाली सब कुछ कह लो, चारों तरफ पहाड़ों, मतलब जो व्यू है ना आप देख के आप ही बताना कैसा है व्यू। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय। Thank you.